हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे 3DX Max के बेसिक्स। ये वीडियो सीरीज उन लोगों के लिए है जिनको मैक्स बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना है, जिन्होंने मतलब मैक्स को कभी चलाया भी नहीं है। सो अगर आपको मैक्स इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है फर्स्ट टाइम, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको मतलब आपके लिए वीडियो बना दूंगा उस पर। अबे यार क्या है यार। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे 3DX Max के बेसिक्स। तो ये वीडियो सीरीज उन लोगों के लिए होगी जिनको बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना है मैक्स, जिन्होंने आज तक मैक्स नहीं चलाया। इसके अंदर आप 3D मॉडलिंग बहुत ईजिली कर सकते हैं, आर्किटेक्चर के लिए इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं, एक्सटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं, हार्ड सर्फेस मॉडलिंग कर सकते हैं, किसी या करेक्टर भी बना सकते हैं इसमें। सो अगर आपको 3DX Max इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप इंस्टॉल कर लेंगे और फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, तो इस तरीके का व्यूपोर्ट आपके पास सामने आएगा। सो अभी मैं 2021 यूज़ कर रहा हूँ इसका। आपके पास जो कोई सा भी वर्जन हो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे वर्जन लगभग लगभग सेम है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉप है, ये हमारा फ्रंट, ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा पर्सपेक्टिव, ये चार व्यूपोर्ट आपके पास सबसे पहले आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं कि हम इसके व्यूपोर्ट को कैसे चला सकते हैं। तो आपको किसी भी व्यूपोर्ट में जाके आप मिडिल माउस क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, तो ये इस तरीके से आप पैनिंग कर सकते हैं इसकी, सिर्फ मिडिल माउस से और ड्रैग। ठीक है, अगर आप इस ऑल्ट प्रेस कर लेंगे और आप मिडिल माउस से प्रेस करके फिर घुमाएंगे, तो ये इस तरीके से रोटेट होगा आपका व्यूपोर्ट, इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। पर आप पर्सपेक्टिव में ही इस तरीके से रोटेट करें, अगर आप इसमें रोटेट कर देंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ये ऑर्थोग्राफिक व्यू हो जाता है, ये ना पर्सपेक्टिव रहता है और ना ये प्रॉपर लेफ्ट हुआ। इस व्यू में हम काम नहीं करते ज़्यादातर। सो आप यहाँ से इसको दोबारा से लेफ्ट कर लें। अब इन व्यूपोर्ट्स पे जाने के लिए आपको सिंपली इस पर किसी भी व्यूपोर्ट पे आपको जाना हो, उस पर आप अपना माउस लेके जाइए और ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करिए, सिर्फ ऑल्ट डब्ल्यू। वापस आने के लिए ऐसे व्यूपोर्ट पे फिर से आपको ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करना है, सिंपली यहाँ पे ऑल्ट डब्ल्यू, सिंपली यहाँ पे ऑल डब्ल्यू। इसके बाद आपको अगर किसी भी व्यूपोर्ट में एक जाना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे फ्रंट में हूँ पर मेरे को यहाँ पे लेफ्ट चाहिए, तो मैं सीधा एल प्रेस करूँगा। मेरे को टॉप चाहिए तो मैं टी प्रेस करूँगा, या तो ये तो शॉर्टकट की यूज़ हो गई। अगर आपको मैनुअली जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सारे वो बने हुए हैं। यहाँ पे आपके पास पर्सपेक्टिव है, ऑर्थोग्राफिक है, टॉप है, बॉटम है, फ्रंट है, बैक, लेफ्ट, राइट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबके शॉर्टकट के दिए हुए हैं, पर राइट का, बैक का और बॉटम का इसकी शॉर्टकट कीज़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हम इसको यूज़ नहीं करते। अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको मैनुअली भी बना कर सकते हैं यहाँ से। सो अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट्स वगैरह। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट टाइप दिए हुए हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें और सिंपली यहाँ पे आप बॉक्स क्रिएट करें। बॉक्स क्रिएट करने के लिए आपको एक यहाँ पे सिर्फ क्लिक करके ड्रैग करना है जितने में आपको साइज़ चाहिए हो, और सिंपली इसको मूव करना है, मतलब क्लिक करके नहीं, आप माउस को मूव करेंगे तो ये इस तरीके से मूव हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, इन्हीं को लेके हमें कोई सा भी मॉडल बना सकते हैं। इसको बहुत सारे मॉडल वो दिए हुए हैं यहाँ पे, आप इसको चेक कर सकते हैं एक एक करके। इसको यूज़ करके आपको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके कोई पैरामीटर्स नहीं आ रहे। इसको हमें मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा मॉडिफायर में, मॉडिफाई में। यहाँ पे आपके पास इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है, इसकी हाइट है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। अभी मैं एक जैसा कर देता हूँ, स्क्वायर बना देता हूँ, 50 50 50। इसमें भी देख रहे हैं कि आप सेगमेंट्स नहीं दिखा रहा अभी, इसके अंदर कुछ भी सेगमेंट्स नहीं आ रहा, अभी सिंपल क्यूब है। इसमें अगर आपको सेगमेंट्स देखने हैं व्यूपोर्ट पे, तो आपको सिंपली F4 प्रेस करना पड़ेगा। F4 से ये सेगमेंट आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। F3 से ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। अगेन F3 प्रेस करेंगे तो ये शेडेड मोड में आ जाएगा। F3 से ये वायर फ्रेम मोड में आ जाएगा,
ठीक है, ट्रांसपेरेंट वायर फ्रेम मोड, ये ध्यान रखिए। अगर आप F3 प्रेस करके F4 प्रेस करेंगे तो ये इसका वायर फ्रेम गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर से F4 प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा इसका वायर फ्रेम। इसके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कोई को कलर चाहिए वो कलर पैलेट यहाँ पर आ जाती है। ये यहाँ पर बहुत सारे कलर दिए हुए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। अभी के लिए मैं ये रख देता हूँ। मूव मूव बटन का तो सेम रहता है हर उसमें, तो W फॉर मूव, P फॉर रोटेशन, R फॉर स्केलिंग, ठीक है। यहाँ से आप इसके सेगमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि अभी 111 है तो यहाँ पे आप सेगमेंट्स अपने अकॉर्डिंग यहाँ बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, जैसे भी आपको सेगमेंट चाहिए हो। ये हमारे टेक्सचरिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है गाइस। इसके बाद अगर आपको इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, मान लीजिए मेरे को कुछ ऑब्जेक्ट में मॉडिफाई करना है, तो अभी मैं मॉडिफाई नहीं कर पा रहा, जैसे कि देख सकते हैं मैं बिल्कुल ही मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहा, सिर्फ मैं यहाँ से कर पा रहा हूँ, पर मेरे को कुछ अलग से शेप देनी है तो मैं उसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहा। इसको मॉडिफाई करने के लिए हमें कन्वर्ट टू पॉली करना पड़ेगा, इसको एज अ पॉली करना पड़ेगा ताकि इसके वर्टेक्स, एज, पॉलीगन सब आ जाए। तो वो करने के लिए सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर लिखना है कन्वर्ट टू पॉली, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, या तो एक ऑप्शन यहाँ से है, या तो आप मॉडिफाई लिस्ट में जाएँ और यहाँ पे एडिट पॉली करके एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ये रहा। तो इससे क्या होगा कि आपका बॉक्स भी रहेगा, आपको बाद में कुछ चेंज करना तो वो भी रहेगा, और इसके ऊपर आप एडिट पॉली लगा दें। अगर आपको मान लीजिए मैंने अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसी, अगर मैंने यहाँ से कुछ चेंज कर दिया और आपको ये नहीं चाहिए, तो आप इसको सिंपली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका डिलीट का ऑप्शन है, आप इसको डिलीट कर देंगे तो ये एक्चुअल शेप में आ जाएगा अपनी। तो अभी के लिए मैं आपको दिखाने के लिए मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। इसको हम देखते हैं कि करके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेक्शन में जाके, यहाँ पे आपके वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन, एलिमेंट। सो वर्टेक्स के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें सिंपली, और ये आपके जितने भी वर्टेक्स हैं ये सारे दिखा देगा। तो आप इसको मूव कर सकते हैं जैसा भी आपको शेप चाहिए इसको। मान लीजिए मैं इसको मूव करता हूँ, इसको मूव करता हूँ, इस तरीके से ये आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है 1 फॉर एज, सॉरी 1 फॉर वर्टेक्स, 2 फॉर एज, 3 फॉर बॉर्डर, 4 फॉर पॉलीगन एंड एलिमेंट फॉर 5। तो ये आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, और एक और ऑप्शन है आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद इसको मॉडिफाई करने के लिए मैं सिंपली अभी वर्टेक्स पे जाता हूँ तो इसके वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए। एजेस पे जाता हूँ तो आप इसके एजेस सेलेक्ट करके कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ से आप पॉलीगन सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर जब सेलेक्ट होगा, जब आपका ये कहीं से डिलीट होगा, मान लीजिए मैं यहाँ से सिंपली ये पकड़ के डिलीट कर देता हूँ, तो ये आपका बॉर्डर हो गया। ये सिर्फ ओपन एजेस को काउंट करता है। आप देखेंगे मैं क्लिक करूँगा तो ये बॉर्डर सेलेक्ट कर लेगा इसको। इसके बाद यहाँ पे ये पॉलीगन हो गया और ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट हो गया। ये एलिमेंट हो गया और इसके ये पॉलीगन्स हो गए, अगर आपको सिंगल सिंगल पॉलीगन सेलेक्ट करने हैं तो। इसके बाद ये अभी ऑप्शन में बाद में बताऊँगा आपको, ये वाले ऑप्शन पे आते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन जो हैं ये श्रिंक और ग्रो। श्रिंक क्या करेगा, जैसे कि मैंने ये पॉलीगन सेलेक्ट कर रखा है और आप चाहते हैं कि इसके आउटर वाले सर्कल वो सेलेक्ट हो जाएँ, आउटर वाले एजेस सेलेक्ट हो जाएँ, जितने भी इसके आसपास के एजेस हैं। तो मैं जैसे ही ग्रो करूँगा तो ये इसके आसपास की सारी एजेस, सॉरी सारे पॉलीगन सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद आपको मान लीजिए मैं यहाँ से दोबारा ग्रो करता हूँ तो ये करता जाएगा, जैसे जैसे इसको वो मिलते जाएंगे। ऐसे ही आपको मान लीजिए कि इसके आसपास के वर्टेक्स श्रिंक करने हैं, जैसे कि हमने सेलेक्ट किया है उस उल्टा वापस लेके आना है, तो उसको आप श्रिंक पर क्लिक करेंगे, ये श्रिंक, ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्रो करा, ये इससे श्रिंक करा, ठीक है। रिंग और लूप क्या है, मैं यहाँ पे एजेस पे काम करता हूँ। मान लीजिए मेरे को ये पूरा एक लूप सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से मैं जाऊँगा सीधा सिंपली रिंग, सॉरी ये तो रिंग हो गया, मैं आपको लूप पहले बता देता हूँ। अगर मेरे को ये सब पूरी ऐसे सेलेक्ट करनी है तो मैं इस पर सिंपली लूप पे क्लिक करूँगा तो ये पूरी एक ऐसे सेलेक्ट कर लेगा जो उसका लूप चल रहा होगा ये पूरा कंटिन्यू। अगर ये कहीं से ब्रेक हुआ, मान लीजिए मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ इसको, तो अब ये यहाँ से लूप पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करेगा। इसका एक और तरीका है,
आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, कोई भी एज पकड़ेंगे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट एल, मैंने सिंपली ये सेलेक्ट करा, मैंने ऑल्ट एल पे क्लिक करूँगा तो इसने सिंपली ये सेलेक्ट कर लिया। रिंग क्या करेगा, अगर मेरे को इस एज के बिल्कुल सामने सामने वाले सारे सेलेक्ट करने हैं, इस लूप के सारे एज सेलेक्ट करने हैं, तो मैं सिंपली रिंग पे सेलेक्ट करूँगा। रिंग से क्या करेगा, ये जितने भी एजेस के फ्रंट में चल रहे होंगे जितने भी कंटिन्यूएशन में, ये सारे वो वाले एजेस सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद इसका शॉर्टकट की क्या होता है, ऑल्ट आर, ठीक है, ऑल्ट आर, आर फॉर रिंग, ऑल्ट आर एंड ऑल्ट एल फॉर लूप, ठीक है गाइस। इसके बाद सॉफ्ट सिलेक्शन आता है, ठीक है। सॉफ्ट सिलेक्शन क्या करेगा कि मैं यू सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रेडियंट सा ये कुछ बन गया है। तो इसका हम कैसे यूज़ होता है कि अगर आपको कोई माउंटेन टाइप बनाना हो तो आप इसको सिंपली ऐसे करके मूव करूँगा मैं, तो ये देख रहे हैं कि आप ये बिल्कुल माउंटेन की शेप कैसे ले सकता है, बिल्कुल फॉल ऑफ में लेता है ये, ठीक है, ये बिल्कुल फॉल ऑफ में लेगा, मतलब यहाँ से इसका मेन पॉइंट रहेगा पर यहाँ जाते जाते ये फॉल ऑफ बना देगा। अगर आपको इसको फॉल ऑफ को कम करना है, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये इन वर्टेक्स पे काम करे, इन वर्टेक्स को इफेक्ट करे, तो ये सिर्फ ये इतने वर्टेक्स को इफेक्ट करेगा। ये फॉल ऑफ वो है कि ये कितने वर्टेक्स को इफेक्ट करेगा, और मेन फोकस इसका इस वर्टेक्स पे रहेगा क्योंकि हमारे पास ये वाला वर्टेक्स सेलेक्टेड है। तो मैं इसको अगर बढ़ा दूँगा तो ये इतना इफेक्ट करेगा इसको, पर मेन फोकस हमारा इस पे है। अगर मैं इसको 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 भी सिलेक्ट कर लूँगा, ये सारे सिलेक्ट कर लूँगा, तो अब इसका फोकस इस पे रहा मेन, ठीक है। बाकी सारे अभी काम के नहीं होते तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एडिट वर्टाइसेस के ऑप्शन आते हैं, ये क्या करते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं भी सॉफ्ट सिलेक्शन ऑफ कर देता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा रिमूव। ये क्या कर रहा है इसने कि ये सिंपली एक वर्टेक्स डिलीट कर दिया, जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसको डिलीट, इसकी शॉर्टकट की है डिलीट, आप सिंपली प्रेस करके इसको डिलीट भी कर देंगे तो ये गायब कर देगा। खैर, पर आप इसको बैकस्पेस करेंगे तो ये इस तरीके से काम करेगा, अगर आप डिलीट कर देंगे तो ये पूरा गायब कर देगा इसको, मतलब पॉलीगन ही हटा देगा उसका। बट अगर आप इसको बैकस्पेस करते हैं तो ये सिंपल वो वर्टेक्स हटाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ब्रेक क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेक करके ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्या करेगा कि आप सिंपली यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, या वर्टेक्स पे काम करेगा ये, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेक क्या किया इसने, इसने इसको सारे वर्टेक्स अलग अलग ब्रेक कर दिए, ठीक है, ये देखिए इसने चारों वर्टेक्स अलग अलग ब्रेक कर दिए, ठीक है। मैं अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड से अंडू है, ठीक है, ब्रेक इस तरीके से काम करेगा। अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रूड, एक्सट्रूड क्या करेगा, मान लीजिए लोगों को शेप देनी है तो मैं सिंपली इसको एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है, ये इसने पॉलीगन एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ से आप लोकल नॉर्मल बाय पॉलीगन ग्रुप, ये क्या करता है ऑप्शन, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं 1 2 3 4 वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ, अब मैंने एक्सट्रूड पर क्लिक किया, आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी क्या ऑप्शन है, बाय ग्रुप, ग्रुप का मतलब है कि ये चारों को एक साथ एक्सट्रूड करेगा। लोकल नॉर्मल क्या करेगा, हर एक के लोकल पे करेगा, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ये लोकल कैसे काम करता है। ये हर किसी के, हर पॉलीगन का अपना लोकल होता है, तो ये उस लोकल के हिसाब से एक्सट्रूड करेगा। बाय पॉलीगन कर दूंगा तो अभी ये आपको दिख तो नहीं रहा ऐसा, पर ये यहाँ से आप इसको वैल्यू दे सकते हैं। बाय पॉलीगन क्या करेगा, ये हर किसी को अलग अलग एक्सट्रूड करेगा, ये देखिए, ये देखिए सबको अलग अलग एक्सट्रूड करा है इसने, ठीक है। बाय ग्रुप करते तो ये सारे अटैच होते हैं आपस में, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके। अगर मैं इसको एक्सट्रूड पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसको ग्रुप करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक ही है, ठीक है। तो बाय पॉलीगन और बाय पॉलीगन और बाय ग्रुप एक साथ अलग अलग काम करते हैं, तो आप इसको ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है आउटलाइन,
आउटलाइन क्या करेगा, ये देखिए, इसको ये मतलब स्क्वीज़ और बड़ा कर देगा इसको, अगर आप चाहे जैसे आपको चाहिए ये, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको आउटलाइन देनी है इसको, तो ये इस तरीके से आपकी शेप दे सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसके बाद आपका ऑप्शन है बेवल। बेवल क्या करेगा, ये देखिए, आपको एक्सट्रूड तो करेगा, बट आप इसको इस तरीके से एजेस भी दे सकते हैं, जैसे कि आप टेपर दे सकते हैं इसको, चाहे टेपर दे सकते हैं, चाहे इसको फैला सकते हैं। और एक्सट्रूड क्या है, सिंपली इसको एक्सट्रूड करता है, सिंपल सीधा जैसा है वो। बट जैसे आप बेवल करते हैं इसको, तो ये इस तरीके से आपको एडजस्ट दे देगा, ठीक है। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से, आपको हाइट कितनी चाहिए इसकी, और अगर आपको इस तरीके से कोई शेप देनी है तो आप दे सकते हैं। इनसेट क्या करेगा, मान लीजिए मैं ये वाले पॉलीगन सेट कर लेता हूँ, तो इसने क्या करा कि उस पॉलीगन को एक्सट्रूड नहीं करता, ये उन पॉलीगन्स को अंदर की तरफ इनसेट कर देता है। अगर आपको कोई इस तरीके की शेप बनानी है, मान लीजिए आपको एसी बेंड बनाने हो, तो आप इस तरीके से, फिर मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ माइनस में, तो आप इस तरीके से कुछ एसी वेंट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। इनसेट इस तरीके से काम आता है, ठीक है। ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिज किस तरीके से काम करता है। अब आप चाहते हैं कि ये वाला पॉलीगन इस वाले पॉलीगन से जाके अटैच हो जाए, ठीक है। अगर आपको दोनों पॉलीगन सेलेक्ट करने हैं एक साथ, तो आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आप सारे एजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, जो जो आपको एज सेलेक्ट करनी है। अगर आपको डी सेलेक्ट करनी है, तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप ऑल्ट प्रेस करेंगे। तो मैं आपको ब्रिज ऑप्शन दिखा रहा था, तो ब्रिज के लिए आपको ये और ये पॉलीगन सेलेक्ट करना है, एजेस सेलेक्ट करनी है, और ये आप सिंपली इस पर ब्रिज पे क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया आपस में। अगर आपको इसमें सेगमेंट चाहिए, तो आप ये सेगमेंट भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। और आप इसको वेल्ड कर दें, ये मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ऑप्शन का यूज़ नहीं होता इतना, तो आप बेसिक मॉडलिंग के लिए इतने ऑप्शन बहुत होते हैं इसके। मैं आपको कुछ ऑप्शन और बता देता हूँ बढ़िया बढ़िया, जिससे आप इजीली मॉडलिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये और ये मेरे को आपस में कनेक्ट करने हैं, सिर्फ ये दोनों, मतलब ये फिल नहीं करना, ये कनेक्ट करने हैं, ब्रिज नहीं, कनेक्ट, तो आपको वर्टेक्स सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे वेल्ड का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको वेल्ड देता हूँ, तो अभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमें वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी इसकी, ये देखिए, ये इसकी वैल्यू बढ़ गई, बट अभी ऐसे कनेक्ट नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्यों नहीं होगा कनेक्ट। आप यहाँ से टारगेट वेल भी यूज़ कर सकते हैं, और एक वेल्ड का ऑप्शन है। टारगेट वेल क्या करेगा, आपको एक पॉलीगन को सेलेक्ट करना है, सॉरी एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद दूसरे का जो आपको टारगेट देना है कि आपको कौन से वर्टेक्स पे ले जाकर क्लिक करना है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये इसको वेल्ड कर देगा आपस में। और वेल्ड क्या करेगा, इन दोनों को सेंटर में लेके आएगा, मतलब आप ये तो हमने टारगेट दिया इसको यहाँ से यहाँ पे, बट वेल्ड क्या करेगा, वेल्ड इसको यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट पे क्लिक हो गया। पॉलीगन्स का अलग एक्सट्रूड है, और वही वर्टेक्स का अलग काम करेगा। वर्टेक्स पे जब आप एक्सट्रूड करेंगे, तो ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यू दे सकते हैं इसको, मान लीजिए आपको कितना बड़ा चाहिए ये वाला, और ये आपको क्या साइज़ चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है शैम्फर का, आप एक वर्टेक्स ऐड करिए शैम्फर, ये वेल्ड नहीं है लग रहा है, वेल्ड तो है शैम्फर। अभी शैम्फर ने क्या किया, जैसा वहाँ पे इनसेट काम कर रहा था, वैसा ही ये वर्टेक्स को ब्रेक कर देता है चार वर्ड्स में, चार पॉलीगॉन में। तो यहाँ पे आप इसको जितने वर्टेक्स देंगे, जितने एजेस देंगे, वो इतनी एजेस कनेक्ट करता जाएगा वहाँ पे, ठीक है गाइस। यहाँ से आप इसको वैल्यू दे सकते हैं कि आपको, अगर आपको ये स्ट्रेट नहीं चाहिए, तो आप इसको ज़ीरो कर सकते हैं। मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से शेप आ जाएगी इसकी आउटर। ये
कर्व करने के लिए है। अगर आपको बिल्कुल सर्कल बनाना है यहाँ पे, तो आप इस तरीके से ये ज़ीरो माइनस में जाएंगे तो ये सर्कल क्रिएट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं, जैसे कि मेरे को यहाँ पर सर्कल चाहिए तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप ये ऑप्शन ट्राई करिए। इस ये अभी पार्ट वन है, इसका पार्ट टू मैं निकालूंगा, उसके उसमें हम और ऑप्शंस देखेंगे इसके, जिसमें मैं आपको और ऑप्शन बताऊंगा इसके, कट हैं, क्विक स्लाइस हैं, अटैच किस काम आता है, ये सब किस काम आते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी के लिए आप प्रैक्टिस करिए ये सब। तो मिलते हैं ऐसी एक वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।